क्या कथी है कथी अभी। हे गाइस वेलकम बैक माय दिस इज संजय प्रजापति ब्लॉग चैनल एंड मेरा नाम है संजय। और अभी सुबह का समय बता दूं तो अभी 10 बज चुका है एंड अभी मैं नहा धोवा के फ्रेश हो चुका हूं और मैं खाना वाना खा लिया हूं और आज हमको जाना है बेतिया। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अभी चलते हैं बेतिया, तो आप सबको सीन दिखाते हैं। एंड गाइज आप सबसे पहले देख लीजिए कि हम सुबह में गए थे अपने बॉबी ओबी को लेकर आंगनबाड़ी स्कूल में, तो वहाँ का आंगनबाड़ी के स्कूल का आप सीन देखिए कैसा है और कैसा क्या हुआ। तब तक हम बेतिया पहुँच जाते हैं, उसके बाद बेतिया का सीन दिखाएंगे। फिलहाल अभी आंगनबाड़ी का सीन देखिए क्या क्या हुआ है और अभी हम चल रहे हैं बेतिया। हाय गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ, वो बॉबी है और 2-3 गौरी बच्चा है उनको लेकर आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए। वो बहुत ही ड्रामा कर रहा है, लोग नहीं जा पा रहे लोग अकेले, तो हम लेके लोगों को जा रहे हैं पहुँचाने के लिए। और देखिए वो लोग जा रहा है कि नहीं, अभी तक तो घर से बाहर निकल चुका है लोग, उधर आ रहा है लोग। देखिए गाइस इधर आ रहा है तीनों के तीनों, बहुत नौटंकी कर रहा था लोग घर से आने के लिए, लेकिन अभी तो घर से बाहर आ चुका है लोग। क्या मिला बॉबी? हाँ इसको टिकोरा मिल गया, चलो गाइस। अभी सब आ गया लो पास में और इन तीनों को लेकर चलते हैं अभी कॉलेज में, आंगनबाड़ी कॉलेज में। क्या कथी है कथी अभी? बगीचे में से सब टिकोरा बिन रहा है लोग। गाइस अभी देख लीजिए हम लोग जा रहे हैं डनेरी के रास्ता से और ये है इन लोगों का पैना। चलो चलो। और गाय जी लो डनेर पर चल नहीं पा रहा था तो खेत में अभी चल रहा है लो। अभी चढ़ जा चढ़ जा चढ़ ऊपर, चलो चलो। सो गाय अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और ये सब बच्चा यहाँ पे आ गया है लो। आए अभी हम पहुंच चुके हैं आंगनबाड़ी के पास इन लोगों को लेके, और आंगनबाड़ी अभी बंद है, देखिए कब तक खुलता है। आगे खेल रहे हैं और बॉबी भी है, उसकी बॉबी देख सकते हैं, सारे बच्चे आ गए हैं और आंगनबाड़ी अभी बंद है, खुलेगा देखते हैं। गाइस अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर खेल रहा है लोग और एक इधर टंपी है। एंड अभी मैं यहाँ पे लोगों को पहुँचा दिया, अब जा रहा हूँ अपने घर और ये लोग पढ़ के आएगा। सो गाइस अभी देख लीजिए ये लोग अंदर जाके नहीं पढ़ रहा है तो हम इसको बाहर ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए इधर बगल में स्कूल है और ये लोग नहीं पढ़ रहा है तो यहीं पे पढ़ा रहे हैं। सो गाइस अभी ये लोग अंदर नहीं जाके पढ़ रहा है तो यहीं पे पढ़ रहा है, तो हम बैठ के पढ़ा रहे हैं। और यहाँ से देख लीजिए कखोगा लिख रही है बॉबी, और अभी हम यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि भूख लगे जा रही है दिखाने। देख लीजिए गाइस ये पढ़ने आई थी, अब जा रही है इधर चल रही है इधर को भैमा गा। तो गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं बेतिया के लिए, साइकिल से जा रहा है लोग और चौक पर से बस से जाएंगे, और इधर है रंगीला कुमार। हाय फ्रेंड्स। सो गाइस अभी हम लोग बेतिया पहुंचने वाले हैं, जीप के ऊपर बैठे हैं और चलिए अभी चलते हैं बेतिया, तो आप लोगों को दिखाते हैं बेतिया। एंड अभी हम लोग जीप पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। So finally guys अभी हम बेतिया में पहुंच चुके हैं एंड जीप से नीचे उतर चुके हैं, तो अभी चलिए चलते हैं उस दुकान के पास जहाँ मेरा काम है। इग्नू का एगो असाइनमेंट जो भरना है, एगो बुक बाकी है, तो अभी लेते हैं एगो बुक, तो उसी को लेने के लिए अभी चल रहे हैं। MJK कॉलेज जो है थोड़ा इधर है, लेकिन पहले भी दिखाएं आप सबको ब्लॉग में, तो अभी चलते हैं तो वैसे दिखाते हैं कि कहाँ है। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पुस्तकालय में, जहाँ से हम लोग को पुस्तक लेना है, और मेरा हम लोग का आईडी कार्ड है, तो अभी लेते हैं लोग। ये भैया है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग का काम हो गया, आप देख सकते हैं कि ये पेपर और इधर की बुक और एक बुक भी ले लिया है लो। एंड अभी यहाँ से जा रहे हैं लो, ये शिखा टेलीकॉम, देख लीजिए शिखा फोटो स्टेट, यहीं से काम होता है इग्नू यूनिवर्सिटी का, बेतिया में MJK कॉलेज के पास है, तो आप लोग भी आइए। इग्नू यूनिवर्सिटी से अगर आप सबको BA करना है, MA करना है, PG करना है, तो आप आके यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, हो जाता है
दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, बेतिया से ही सारा काम हो जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं बेतिया रेलवे स्टेशन पर, वहाँ भी टिकट लेना है इसका, ये जाएगा मुंबई। तो अभी चलिए चलते हैं बेतिया रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं कि ये बेतिया में पहली बार हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पोस्टर लगाए थे यहाँ पे, पुतला बनाकर और खूब बढ़िया से सजाया गया है। और हम भी पहली बार देखें, अभी आए तो आप लोग को दिखा दे रहे हैं, एंड अभी चल रहे हैं यहाँ से। और तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन के पास, आप देख सकते हैं ये है बेतिया रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं। और हम लोग इसी रास्ते से आए हैं, एंड अभी हम लोग चल रहे हैं टिकट कटाने, चलते हैं। और अभी पेंटिंग हो रहा है, उसका काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। भाई अभी फॉर्म भरा रहा है टिकट लेने के लिए, इधर देख लीजिए टिकट, देख फॉर्म भर रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से टिकट लेकर चलेंगे। गाइस यहाँ पे आने के बाद एक पंगा हो गया क्या जी, जो टिकट काटने वाला मैडम है वो बोल रही है कि पैसा में रंग लग गया है तो नहीं लेंगे, और निकालने लो हम लोग ATM से, वो बोल रहे कि नहीं लेंगे। तो फिर हम लोग बोला है तो जाके चेक अंदर किए, बस उसको मार्क लगाइए कि नहीं चलेगा तो फिर से फ़ोन करेंगे, कहें ठीक है फ़ोन कीजिएगा। तो अभी मतलब दे दिए टिकट, टिकट कट गया, और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से घर पर। तो चलिए अभी चलते हैं। हे गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं कि इतना धूप लग रहा है और हम लोग पैदल जा रहे हैं, अभी गाड़ी नहीं मिल रहा है, और इस पेपर को ऊपर से ढके हैं और ये बुक से ढका है, इतना ज़्यादा धूप लग रहा है हम लोगों को। तो देखिए अभी कब गाड़ी मिलता है, और हम लोग गाड़ी पर चलते हैं। बाकी जिसके पास यार 4-व्हीलर है तो उस बैठ के जेबे कर रहा है का जी, हम लोग के पास 4-व्हीलर होगा तो हम लोग भी कभी बैठ के जाएंगे। हम लोग का 2-व्हीलर है तो पैर से 2-व्हीलर के साथ जा रहा है लोग। भाई अभी आप देख सकते हैं कि ओवर ब्रिज नहीं बना है तो कितना जाम लग रहा है बेतिया में, और अभी काम चल रहा है, कब तक बनेगा पता नहीं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं छावनी, और हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, तो हम लोग मान लीजिए कि V2 तो उतरे हैं, तो वहाँ से गए MJK तब से फिर स्टेशन चौक से फिर छावनी अभी आ चुका है, और भी पैदल आप देख सकते हैं, जो जानते होंगे कि सब कहाँ है कितना दूरी पर है तो समझ सकते हैं कि कितना हम लोग पैदल आज चले हैं। और अभी छावनी आ गए, तो यहाँ से जीप बस मिलेगा, तो देखते हैं कि कब तक मिलता है, तो फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे गोवा। तो गाइस अभी फिर से हम लोग को जीप मिल चुका है, और अभी जीप से हम लोग जा रहे हैं चौक पे, आप देख सकते हैं ऊपर जीप के ऊपर बैठ चुके हैं हम लोग। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं चौक पे, और इधर है मेडिकल, इधर जो कि हम मेडिकल पे काम करते हैं, और इधर है गोगा चौक। अभी ले जाइए गोगा चौक, और बगल में ही एक होटल बन रहा है नया, आप देख सकते हैं, और इधर ही बैठा है जो बेतिया से आकर चले तो पानी वानी पीते हैं। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, आप सबको यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड गाइज अभी मैं अपने चौक पर दुकान पर हूँ, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए।